Hello YouTubers and tech lovers out there, Kshitij Kumar again here from Horizon Tech for You. और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं How to Diagnose Your System Yourself. बहुत सारे यूज़र्स पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मेरा सिस्टम ख़राब हो गया है, नहीं काम कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इशू क्या है. लैपटॉप वाले यूज़र्स भी बहुत ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर सिस्टम स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, नॉर्मली आप क्या करोगे? जब ऐसा कुछ होगा तो लेके जाओगे किसी कंप्यूटर टेक्नीशियन के पास. लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है, उसको पैसे नहीं देने हैं बेफालतू में, और आपको खुद ही डायग्नोस करना है कि ये इश्यू क्या है, एक्चुअल में क्यों बंद है सिस्टम, क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है और स्क्रीन पे कुछ आ जाए. नॉर्मली जब सिस्टम में कुछ भी परेशानी होती है तो इवन स्क्रीन आपकी वर्क कर रही है, डिस्प्ले, तो उस पर कुछ लिखा हुआ आएगा, कुछ एरर मैसेज आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है. लेकिन कुछ कई बार ऐसा होता है कि स्क्रीन भी स्टार्ट नहीं होगी, कुछ उस पर डिस्प्ले आएगा ही नहीं, बिल्कुल ब्लैंक बंद ही रहेगी. तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें और कैसे पता करें कि सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट वर्क नहीं कर रहा है या इशू क्या है, क्यों चालू नहीं हो रहा है? तो ऐसे यूज़र्स के लिए मैंने ये वीडियो बना दिया, ताकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, मुझे ऐसा लगा कि इस पर्टिकुलर इशू से बहुत ज़्यादा परेशान है पिछले कुछ दिनों से. तो एक ऐसा कार्ड आता है जिसको कहते हैं पोस्ट कार्ड, ठीक है. पोस्ट मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. अगर आपको बूटिंग प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं पता है तो शायद आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी. तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि बूटिंग प्रोसेस वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बूटिंग प्रोसेस है क्या. तो बूटिंग प्रोसेस जब होता है दोस्तों, तो उसमें सबसे पहला एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. इस पर्टिकुलर प्रोसेस में होता क्या है कि कंप्यूटर अपने साथ लगे हुए जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, उनको चेक करता है कि वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं. और कोई कंपोनेंट पर्टिकुलरली कुछ ख़राब है या कुछ वर्क नहीं कर रहा है, तो उसका एरर मैसेज डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे. अगर आपकी स्क्रीन वर्क कर रही है तो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा कि ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है, या कुछ एरर मैसेज शो होगा कि यहाँ पे कुछ इश्यू है. तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, उस कंपोनेंट को सही करवाना है या रिप्लेस करना है, या जो भी आगे का प्रोसेस है वो आप कर सकते हो. लेकिन जब पोस्ट ही नहीं होता, पोस्ट जो प्रोसेस है वो नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा, स्क्रीन पे कुछ आएगा ही नहीं. तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो ये जो कार्ड्स हैं, पोस्ट कार्ड्स, इसको डायग्नोस कार्ड्स भी कहते हैं, पोस्ट कार्ड्स भी कहते हैं, तो ये कार्ड्स आपको हेल्प करेंगे आपके सिस्टम को डायग्नोस करने में. आपको पता चलेगा कि सिस्टम में इश्यू क्या है, तो आपको ऐसे किसी कंप्यूटर टेक्नीशियन के पास ले जाने की सिस्टम को ज़रूरत नहीं है. पूरा उसको उठा के ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और लैपटॉप यूज़र्स के लिए भी है, ये दोनों के लिए अप्लाई होता है. तो लैपटॉप के लिए अलग कार्ड्स आते हैं और डेस्कटॉप के लिए अलग कार्ड्स आते हैं. लैपटॉप में जो है वो PCI स्लॉट नहीं होता है, लैपटॉप में सिर्फ USB अवेलेबल होता है, और डेस्कटॉप में USB और PCI दोनों अवेलेबल होता है. तो ये जो कार्ड्स हैं वो दो तरीके के होते हैं. लैपटॉप यूज़र्स के लिए USB लेना चाहिए आपको. मैं दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा. तो USB वाला जो है वो लैपटॉप्स के लिए है, और आपके पास डेस्कटॉप है तो किसी भी डेस्कटॉप में, इवन पुराने से पुराना कोई कंप्यूटर है, पुराने से पुराना मदरबोर्ड है, उसमें भी एक लेगेसी PCI स्लॉट तो अवेलेबल होगा ही होगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है. एक तो होगा ही, मोर देन वन भी होंगे, लेकिन मिनिमम एक तो होगा ही. तो ये जो कार्ड्स हैं जो डेस्कटॉप के लिए होते हैं, वो आपका जो लेगेसी PCI स्लॉट है, नेटिव लेगेसी PCI स्लॉट जो चिपसेट के साथ कनेक्टेड होता है, और जो USB पोर्ट है जो चिपसेट के साथ कनेक्टेड होता है, जो नेटिव USB पोर्ट्स हैं. आप जान लीजिए हमारा जो BIOS वाला वीडियो है, या सिस्टम को फिर से रिफ्रेश इंस्टॉलेशन करने वाला वीडियो है, उसमें मैंने किसी वीडियो में, मुझे पता नहीं है मैं भूल गया हूँ, किसी एक वीडियो में मैंने समझाया है कि नेटिव USB पोर्ट क्या होता है. तो आपको USB पोर्ट पे लगाना है अगर आप लैपटॉप यूज़र हो, और अगर आप डेस्कटॉप यूज़र हो तो PCI में लगाना है, या आप USB पे लगा सकते हो. लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप डेस्कटॉप यूज़र हो तो आप लेगेसी जो PCI स्लॉट है उस पर लगाइए. तो ये दो तरीके के कार्ड होते हैं. अब काम ये एक ही करते हैं, लेकिन अलग अलग यूज़र को ध्यान में रख के, अलग अलग कंपोनेंट को ध्यान में रख के, ये अलग अलग तरीके के होते हैं, लैपटॉप वालों के लिए अलग और डेस्कटॉप वालों के लिए अलग. तो ये कार्ड करेगा क्या, जैसे ही आप इसे लगाओगे सिस्टम में, उस पे एक डिस्प्ले होगी 4 नंबर की, उस पर एक नंबर शो होगा. जैसे ही आप सिस्टम को पावर ऑन करोगे, पहले जब इसको ऐसा कुछ नहीं होगा आपके पास, स्टार्ट करोगे तो कुछ आएगा ही नहीं स्क्रीन पे, जो उसकी डिस्प्ले है सिस्टम की. लेकिन अगर आप ये कार्ड लगाते हो और आप कंप्यूटर टेक्नीशियन के पास जाओगे तो भी वो यही करेगा, उसके पास ऐसा एक कार्ड होता है और वो इस कार्ड को यूज़ करने के लिए आपसे पैसे ले लेता है. और कुछ कंप्यूटर टेक्नीशियन तो ऐसे होते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होता है या नहीं होता है, आपको उनकी जो फीस है, उनका जो चार्जेस है वो देना ही पड़ेगा. तो उनके चार्जेस 300 से 400 से 500 रुपए तक होते हैं हाथ लगाने के सिर्फ. आपका सिस्टम सही होता है नहीं होता है वो तो आगे की बात है, और जो नया कंपोनेंट डालेंगे उसके तो अलग से पैसे लेंगे.
लेकिन सिर्फ हाथ लगाने के और आपको बताने के कि इसमें इश्यू क्या है, सिर्फ इतने इतने के पैसे ले लेते हैं। तो ये मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो और कंप्यूटर टेक्नीशियन आपसे पैसे ले ले बेफालतू में। आप ये खुद डायग्नोज कर सके और आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हो, इसलिए मैं ये कार्ड्स आपको दिखा रहा हूं। तो यूएसबी वाले यूएसबी पे लगाइए लैपटॉप वाले, और जो डेस्कटॉप वाले हैं वो पीसीआई पे लगाइए। जैसे ही आप लगाओगे पावर ऑन की स्विच ऑन करोगे उसे, तो इस पर्टिकुलर कार्ड में एक प्रोसेस होगा, उसके बाद इस पर एक नंबर शो होगा। अब इस नंबर का जो मतलब है वो इसके साथ एक मिलेगी बुकलेट, आपको एक फिजिकल बुकलेट मिलेगी, उसमें लिखा होगा एक एरर कोड या एक नंबर शो होगा। अब इस नंबर का जो मतलब है वो इस बुकलेट में लिखा होगा, उसके सामने आप इसको खोलोगे और जब पढ़ोगे तो इसके सामने एक ऐसा नंबर लिखा होगा और उसके सामने उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होगा कि इस नंबर का मतलब क्या है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, जैसे रैम का इशू है या मदर चिपसेट का कोई इशू है या मदरबोर्ड में कुछ इशू है या बहुत सारे ऐसे इशूज़ होते हैं जिसकी वजह से सिस्टम स्टार्ट नहीं होता है। तो सारे के सारे तो मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगा, बहुत सारे इशूज़ हैं। आप जब ये खरीदोगे और उसके साथ जो बुकलेट है उसको पढ़ोगे अच्छे से, जो अलग अलग डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे इशूज़ की वजह से सिस्टम स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। सारे के सारे मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन इन शॉर्ट में बता देता हूं कि ये कार्ड करेगा क्या। जैसे ही लगाओगे सिस्टम को स्टार्ट करोगे, इस पे एक नंबर शो होगा, इस नंबर का डिस्क्रिप्शन आपको उस बुकलेट में पढ़ना है कि इसका मतलब क्या है। जैसे ही आप सामने पढ़ोगे और जो भी वहां पे लिखा हुआ है तो आपको एटलीस्ट समझ में आ जाएगा कि अभी हमारे कंप्यूटर में क्या इशू है और मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बात करेगी रैम का, जो रैम की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वजह से भी सिस्टम कई बार स्टार्ट नहीं होता है। और कुछ रैम, जैसे आपने दो स्टिक लगाई है, मेरे साथ ये हुआ है तो मैं इसलिए पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, दो अलग अलग स्टिक लगाई है, ठीक है, भले एक ही फ्रीक्वेंसी की हो, एक ही कंपनी की हो, पूरी किट हो, लेकिन उसमें से अगर एक स्टिक है वो फिजिकली डैमेज हो गई है, यानी कि ख़राब हो गई है, तो उसकी वजह से भी वो पूरी किट आपने लगा रखी है, कोई डैमेज रैम वहाँ पे अवेलेबल है, तो उसकी वजह से सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा और स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने वहाँ पे मदरबोर्ड पे वो जो स्पीकर है, छोटा सा जो बीप बजर होता है, वो अगर लगा रखा है तो उसमें बीप बीप का साउंड आएगा, लेकिन उससे आपको पता नहीं चलेगा एक्चुअली वो जो साउंड है, साउंड टोन्स हैं उसकी वजह से, कि ये एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो कार्ड्स है वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। मैं पर्सनली ये यूज़ करता हूँ जब भी सिस्टम कुछ ख़राब होता है या मेरे किसी फ्रेंड का सिस्टम जब ख़राब हो जाता है, तो मैं ये कार्ड्स उनको सजेस्ट करता हूँ कि कार्ड लगा के देख लो, जो भी इश्यू है, जो भी कंपोनेंट, कोई फिजिकल कंपोनेंट ख़राब है, उसकी वजह से जो पोस्ट है वो ही नहीं होगा। पोस्ट को होने के लिए भी उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है। ये जो पहला प्रोसेस है जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो पोस्ट हो नहीं रहा है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो ये कार्ड लगाओगे आपको पता चल जाएगा कि क्या कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है वो खराब है या क्या इश्यू है, और उसके बाद उसके लिए जो प्रॉपर स्टेप्स है आप उठाओगे, उसको सही करोगे, उसको रिप्लेस करोगे, उसके बाद आपका कंप्यूटर सही चलने लगेगा। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया, बहुत सारे यूजर्स पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, और आपको किसी कंप्यूटर टेक्नीशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है कि कंप्यूटर टेक्नीशियन को अगर ये पता चल जाए कि आपको कुछ नहीं आता है कंप्यूटर में, या आपको ये सब नहीं पता है हार्डवेयर के बारे में, तो मेजॉरिटी केसेस में वो इसका मिसयूज करते हैं और आपको लूट लेते हैं, ठीक है, ठग लेते हैं कि कुछ भी रैंडम इशू बता देते हैं, उनको भी नहीं पता होता। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपका कोई कंपोनेंट इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता, यानी कि इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता आपके सिस्टम में, 500-600 रुपए में अगर बात ख़त्म हो जाती है तो भी वो 1,000-2,000-3,000 रैंडमली जो भी उनका मन करे, जैसे भी सामने वाली पार्टी है उस हिसाब से पैसे ले लेते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसे कार्ड्स, आप अगर आपका सिस्टम बार बार ऐसा कुछ हो रहा है या फ्यूचर में भी कभी हो, अभी नहीं हुआ है तो कोई इशू नहीं, शायद फ्यूचर में कभी हो तो उस वक्त भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कार्ड अगर आपके पास होगा और तो आप आराम से अपने सिस्टम को डायग्नोज कर सकते हो और अपने सिस्टम को सही से चला सकते हो। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको उसमें कोई इश्यू है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आया है, मुझे बताइए, मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर गाइज, लर्न मोर एंड स्प्रेड द नॉलेज। थैंक यू सो मच।